हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज इस टाइम बज रहे हैं रात के 8 और मैं हूँ अभी मार्केट में 10 पीस मोहाली। और मुझे लग रही थी ऑफिस से निकलते ही बहुत तेज वाली भूख, तो मैं अभी जा रही हूँ टिक्की लेने। टिक्की खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मार्केट शॉपिंग करूंगी, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मार्केट में। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा हर जगह पे, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये दिन भी कभी कभी आते हैं, 2 साल तो कोविड करके हुआ नहीं कुछ भी, इसके बाद आज है तो चलो अच्छा लग रहा है देखने में भी। बाकी अभी मैं पहले टिक्की लेके आऊँगी, फिर उसके बाद मार्केट में कुछ सामान लेना छोटा मोटा सा, वो दिखाते हैं। अगर देखती हूँ कहाँ कहाँ जाना है, ब्लॉग छोटा ही बनेगा लेकिन आई होप सो कि इंटरेस्टेड बनेगा। तो आप लोग उसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कि यार उस दिन खाई थी ना जब मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले, तब इनका टेस्ट नहीं था। वैसे ये 10 10 फेज में ये बड़े टेस्टी देते हैं टिक्की। अच्छी यार, उस दिन फ्रेश नहीं था मटेरियल, इस करके मैं यहीं से खाती हूँ टिक्की। वैसे अगर किसी ने आना आना हो टिक्की खाने में, तो 10 फेज में सिद्धि स्वीट्स के बिल्कुल सामने एयरटेल का स्टोर है, साथ में सिंधी के साथ में एयरटेल का स्टोर है, एयरटेल के साथ में सामने टिक्की शॉप है इनकी, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो किसी ने खाना हो तो यहाँ पे आ जाए। अभी मैंने सारा सामान ले लिया, सारा तो क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट लिया। और अभी मैंने गुन्नू को फ़ोन करा था, मैं कह रहा भूख लगी है, पास्ता बना देना। तो मैंने उसको बोला व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि इसने 7 फेस में अपना कैफ़े खोला हुआ है, एक काफ़ी अच्छी सर्विस है इसके कैफ़े में। तो अभी मैं फ़ोन कर दिया था वैसे, मैंने कहा चल मैं आ रही हूँ तो रेडी रखना। तो पीछे वो कैफ़े है उसका, अभी मैं जा रही हूँ उसके पास व्हाइट सॉस पास्ता और चाय ये लेके आ रही हूँ अभी मैं। हाय गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग देखो मैं कर रही हूँ, मैं खुद और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अंदर क्या बन रहा है? अच्छा, इनका इनका हो गया फन। दीदी ने पास्ता मिल गया, चाय मैंने इनको दी, पहाड़ी चाय। पर रिव्यू देंगे कैसी है पहाड़ी चाय। तो दीदी हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, जो कि हमें बहुत चाहिए भी, सपोर्ट भी बहुत सारा करते हैं। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आती रहो जो जो मोहाली के जितने मेरे रिश्तेदार है सारे, यहाँ जो भी देख रहे हैं दीदी की वीडियो, हमारा कैफे खुला हुआ है राइज एंड शाइन मोहाली में 61 सेक्टर में। तो जो जो नियर बाई है हमें देख रहे हैं, वो प्लीज एक बार विजिट करें और ट्राई करें हमारा ये स्पेशली चाय, जरूर ट्राई, पहाड़ी चाय जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी चाय वाला। थैंक यू। पास्ता मैंने लिया, चाय मैंने वहीं शॉप पे बैठ खड़े खड़े पी ली थी, बहुत टेस्टी चाय बनाई थी वो, और पास्ता भी बहुत ज़्यादा ही यम है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि जो भी है यहाँ मोहाली चंडीगढ़, जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, 7 फेज मोहाली में है इनका, जो उनका उस वाली लाइन पे है जो यार वो नहीं थे जो यार मुझे नाम उनका, वैसे मैंने एक ही बार चांप खाई थी, जो बड़े फेमस चांप वाले कपल है, उसी मार्केट में थोड़ा सा आगे एंड में जा करके है इनका वहाँ पे कैफ़े। तो एक बार जाके आना है इनके पास यार, बहुत मेहनत कर रही हैं लड़कियाँ, उनको सपोर्ट करो सीरियसली। और बहुत कूल नेचर है, बहुत नाइस नेचर है इनका, तो मुझे तो सच में ही मेरे को अच्छा लगता है, लाइक मेहनत कर रही है लड़कियाँ और फिर ऐसे, तो मेरे को सच में ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इन दोनों लड़कियों को। बाकी जो भी है एक बार जाओ ट्राई करो, इनका खाना सच में बहुत अच्छा है। अभी मैं
मैंने पास्ता खत्म करा है खा करके, और इसके बाद मैंने तेल डलवाया गाड़ी में, तो वहाँ पे क्लोर हो गई कि उनके पास ना कार्ड और सिर्फ कार्ड और कैश चल रहा था, तो मेरे पास ना कार्ड था ना कैश था, तो वहाँ पे चल रही थी, तो मतलब UPI पेमेंट होनी नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से किसी के अकाउंट में जा करके पेमेंट्स करी, मतलब उन्हीं की किसी पर्सनल अकाउंट में, तो ये चला, तो कैश बहुत ज़रूरी है भाई साहब, 500 रुपये अपनी जेब में लेके चला करो, नहीं तो कार्ड ही खड़ी रहेगी पेट्रोल पम्प में, और साथ फेस का ये पेट्रोल पम्प है जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो प्लीज़ कार्ड और कैश लेके जाए। और अभी मैं जा रही हूँ कहीं काम से, 26 सेक्टर, अभी बाद में पता चलेगा काम क्या है मुझे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता काम क्या है, कॉल आया था किसी का, मिलना है किसी से, वहाँ जा रही हूँ मैं, और उसके बाद देखते हैं, भूख तो है नहीं क्योंकि पास्ता खा लिया था मैंने अभी, तो बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है। करके और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ 7 सेक्टर चंडीगढ़, और उसके बाद सीधा घर, और मेरी कुछ तबीयत ठीक भी नहीं है, तो फिर आपको पता है कुछ ज़रूरी काम जो होते हैं वो करने पड़ते ही हैं, वो करने हैं, उसके बाद मैंने सीधा घर जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ 7 सेक्टर चंडीगढ़। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, और बज रहे हैं रात के 11:30, और अभी मैं सोने लगी हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।